आइए सी में पहला प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सी का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है हेडर फाइल्स की। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड नामक प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीके में इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे तरीके में डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। डबल कोटेशन मार्क्स के बारे में अगले लेक्चर्स में डिस्कशन किया जाएगा। हैश इंक्लूड में इंक्लूड जो वर्ड है ये प्री प्रोसेसर का भाग नहीं है। ये प्री प्रोसेसर केवल हैश साइन जो है वो एक प्री प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम प्री प्रोसेसर को समझना चाहें तो बस इतना समझ लीजिए, प्रोग्राम के कंपाइलेशन के पहले जो एक कंपाइल कोड होता है जो प्रोग्राम को बताता है कि इस प्रोग्राम में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, तो हम उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं। हैश इंक्लूड के बाद आप किसी भी हेडर फाइल का नाम लिख सकते हैं जो सी की लाइब्रेरी फाइल्स में अवेलेबल होती हैं। हम सभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल stdio.h, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, और .h जो है वो हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है। stdio मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो सभी अवेलेबल होते हैं। हेडर फाइल के बाद में प्रत्येक प्रोग्राम में केवल एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। मेन फंक्शन को हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं और मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में एक ब्लॉक के रूप में प्राप्त होता है। मेन फंक्शन किसी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है और इसके अंतर्गत दो मुख्य चीज़ें आती हैं। पहली, इसके अंतर्गत आप सभी प्रकार के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, और दूसरा, प्रोग्राम के जितने भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स होंगे जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स का मतलब आप सिंपल स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या प्रोसीजरल, जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूटेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इस पहले प्रोग्राम में हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट का एक छोटा सा नमूना देखेंगे जिसमें प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कंसोल आउटपुट में जाके किसी मैसेज को या वेरिएबल के मान को प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंट एफ लिखने के बाद ब्रैकेट्स ओपन होता है, डबल कोटेशन मार्क के बाद आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं उसे आप लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अंत में सेमी कॉलन इसे कहते हैं, और सेमी कॉलन जो है वो यह दर्शाता है कि ये जो लाइन है ये टर्मिनेट हो गई। इसका और एग्जांपल नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के लिए आप एग्जीक्यूट ऑप्शन में जाके कंपाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तथा इस फाइल को आप सेव नहीं किए हैं तो इस फाइल को सेव कर लीजिए। जैसे आपका पहला प्रोग्राम है तो आप एक फोल्डर बना लीजिए माई सी प्रोग्राम्स, और यहाँ पे इसे नाम देना शुरू करेंगे। एक बात का खासा ध्यान रखेंगे कि प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन है वो .c होना चाहिए, ना कि cpp, क्योंकि cpp जो है वो C++ के कंपाइलर को सपोर्ट करता है और .c जो है वो C के कंपाइलर को सपोर्ट करता है। कंपाइलेशन के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर्स या वार्निंग्स नहीं है। इसके पश्चात आप इसे रन करेंगे। रन करने का मतलब आपने इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर ली है अपने फाइल की। देखने के लिए आप जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया माई सी प्रोग्राम्स। ये आपकी जो सी की कोड फाइल है, ये सी का जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से है, और ये जो exe फाइल है ये जनरेट हुई है कंपाइलेशन के बाद। कंपाइलेशन का मतलब ये होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में या एग्जीक्यूटेबल फाइल में परिवर्तित करता है। तो यदि आप इसे चलाना चाहें तो यहाँ से भी चला सकते हैं, अन्यथा आप एग्जीक्यूट में जाके रन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल पे दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।